देहरादून में पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की और प्रतिबंधित नशीली दवाओं के धंधा करने वाले को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस व्यक्ति के पास से तकरीबन 50 लाख रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाएं जब्त की है। पुलिस टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सुद्धोवाला चौक के निकट वंश मेडिकल स्टोर का संचालक केमिस्ट की दुकान की आड़ में लोगों को प्रतिबंधित दवाएं बेच रहा है। पुलिस टीम ने मेडिकल स्टोर पर दबिश दी तो मेडिकल स्टोर संचालक व उसका भाई अपनी दुकान पर प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचते हुए पकड़े गए। मेडिकल स्टोर की तलाशी लेने पर पुलिस टीम को मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद हुई, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा बताया गया कि वो और उसका भाई दोनों केमिस्ट की दुकान चलाते हैं। उनके पास दवाओं को बेचने का कोई वैध लाइसेंस नहीं है। दोनों अभियुक्ता कृष्ण कुमार और विनय कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 से दवाओं को बेचने का कार्य कर रहे हैं। नशे के आदि व्यक्तियों द्वारा इन दवाओं को नशा करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। बरामद नशीली दवाओं की अनुमानित कीमत 50 लाख के करीब बताई जा रही है। ये दवाइयाँ इलीगल तौर से बेची जा रही हैं। हमारी टीम ने जब पूछा हुआ कि भाई बेची जा रही हैं, तो हमने फिर कल शाम को रेड किया। रेड करने पर आपका टामा डाल के 56,448 कैप्सूल बरामद हुए हैं और अल्ट्रा जोलाम के 11,400 टैबलेट जो है बरामद हुई है। मार्केट में ये जो भारी खेप है, इसका कीमत जो है लगभग 50 लाख रुपया आगे गई है। 2013 से ये काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने किराए पर लिया था, अब उन्होंने अपने उसको खरीद करके अपनी दुकानें खरीद ली हैं। और इनको जो भी दवाइयाँ प्रचलित दवाइयाँ लेते थे, ये आपका एक इंद्रजीत नाम का एक व्यक्ति है रेसकोर्स में, वो दवाइयों का होलसेलर है, उसके माध्यम से लेते थे। उसको भी हम इसको लिंक करके उसको भी हम कनेक्ट करेंगे और पूरी प्रक्रिया में जितने लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और 14A गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत जो है इसमें प्रॉपर्टी एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।